का अंधेरा, आगे जाके कहाँ करे बसेरा। और ये क्या, ये पीछे से ये क्या चमकती हुई चीज भला आ रही है। और ये क्या, ये तो देख भी सकती है लेकिन इसका टारगेट क्या है। लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है दोस्तों, कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ये सेंटीपेड किसी तो देख रहा है। ये क्या, ये तो हमारे ऑगी को टारगेट कर लिया और ऑगी पगला गया है। ओए मैं तो कहता हूँ रात के टाइम पे नच बलिए तो भंगड़ा पाए लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। ओए और तुझे नींद आने भी वाली नहीं, क्योंकि तेरा भाई गायब है और वो पता नहीं कहाँ गायब है। ये क्या, ये लड़की कहाँ देख रही है, ऊपर है क्या कोई। अरे ये क्या, लगता है कुछ भयानक दिख गया। अरे ये तो अपना ऑगी है जो कि एक कीड़ा बन चुका है। ओए क्या हो गया, ओए तेरे तो, ये मुझे मुंडा क्या हो गया। ओए मुंडा मेरे भाई, ए मुझे क्या बना दिया, पता नहीं मैं क्या बन गया गाइस। पता नहीं ये कीड़ा आया और रात में काट के चला गया और मैं बन गया गाइस सेंटीपीड यार। पता नहीं, लगता है मुझे शिकार करना है। आया आया, ये क्या, पहला शिकार गाइस धराया गया यार। है चलो कोई ना, पेट पूजा ही हो जाएगी। चलो गाइस, पहला शिकार हो चुका है अभी, और लोग को ही ढूंढते है। ओए मुन्ना तू ठीक तो है ना। ए भैया कैसे हो। ओए तू ये कौन है, ये कीड़ा इतना बड़ा। ए भैया मैं हूँ, मुझसे डर क्यों रहे हो। ओए डरूंगा नहीं तो क्या मुन्ना, मैं तेरे सामने नाचूं। ए भैया लेकिन ये मैं हूँ यार। ओए तो मैं हूँ क्या मतलब है, पता नहीं तू किसे खा के आया हो। है भैया अभी तो पेट पूजा कर गया, मच ही आ गया यार। पेट पूजा क्या किया है पेट पूजा में। हे भैया अच्छा खासा रोब्लॉक्स इंसान खाया है। मतलब तू मुझे भी खा जाएगा। हाँ भैया भूख लगी तो आपको भी खा जाऊंगा। भैया वैसे मैं दूसरे को भी खा चुका हूँ। और तू पगला उगला गया क्या। ए भैया तीसरा भी धराया गया है, खा डाला। अरे भैया ये तो आप थे। ओए नूब कहीं का भैया कोई खा गया। ए भैया लेकिन भूख लगी थी। भूख लगी तो भैया कोई खा जाएगा, ये कौन सी बात हुई। ओए ए अरे ये तो भाग रहा है, किधर भागता है, इधर आ, इधर आ जल्दी क्योंकि मुझे और भूख लगी है। ओए मुन्ना लेकिन तूने अपने भाइयों को खा के ठीक नहीं किया है। ओए हे भैया मैं क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी थी यार। मजबूरी, कौन सी मजबूरी हो गई थी, फिर खा गया, दरिंदा है तू दरिंदा। हे भैया अब मैं एक सेंटीपेड हूँ यार, तो सबको खा जाऊंगा। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है मुन्ना मेरे भाई, तेरी याददाश्त भी तो नहीं गई है कि तू कुछ समझ नहीं पा रहा है। हाँ भैया याददाश्त तो मेरी नहीं गई है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मुन्ना फुलटू चंगा घूम रहा है और एक कीड़ा बन के बसे घूम रहा है। हे भैया लेकिन मेरे ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, मुझे बस भैया रोब्लॉक्स से इंसान ही खाना है। ओए तू तू लगता है पगला गया है। ओए तुझे क्या हो गया, कोई मेरे भाई को ठीक करो। हे भैया मैं एक ही तरीके से ठीक हो सकता हूँ। ओए कैसे। हे भैया मैं यहाँ के सारे रोब्लॉक्स को खा जाऊँ यार। क्या बात कर रहा है, तो खा ले। हे भैया एक और धराया गया है। ओए मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, खा ले। ओए मुन्ना ये क्या कर रहा है तू। हे भैया अब तो मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। और भैया मेरा साइज तो देखो यार। ओए इतने सारे पैर हैं तेरे, तू बड़ा ही अजीब लग रहा है। ओए और क्रीपी भी लग रहा है। भैया कैसा लगा, मैं कैसा लगा भी एक्सप्लेन तो कर दिया तेरे सामने। हे इधर कौन है, ए दरवाजे के अंदर छिप के क्या जताना चाहते हो। हे कि ऑगे सिंह बॉडी वाले से बच जाओगे। नहीं नहीं आज ऑगे सिंह सेंटीपेड है। हे भैया सबको खा गया। सबको खा गया तो क्या कर रहा है। अरे अरे एक बच्चा हुआ है। अरे ये क्या, लगता है चला गया भैया मौका। ओए मुन्ना तू सबको खा गया, तू एक दरिंदा है दरिंदा। ए ठीक है ना भैया, अब नहीं बनूंगा दरिंदा। ओए ये क्या मुन्ना, एक और रात और ये मेरे ऊपर कौन है। ओए फिर से वही पैरों का निशान। ओए नहीं फिर से मत कहना कोई कीड़ा है। ओए ये क्या, भाग मुन्ना भाग, एक और कीड़ा आ गया। अरे अब कौन आ गया, भागो। अरे ये भैया लगता कोई दूसरा बंदा कीड़ा बन गया। दूसरा नहीं दूसरा। अरे हाँ भैया वही वही, कभी कभी इधर उधर वर्ड्स निकल जाते हैं भैया। ओए हाँ ठीक है, मैं माइंड भी नहीं कर रहा। चलो दोस्तों अभी मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। ओए हे भैया इस बार मैं आपकी मदद करूंगा, तू कहीं फिर से कीड़ा तो नहीं बन जाएगा। अरे नहीं भैया कीड़ा कोई दूसरा ही बना हुआ है यार। बस भैया ये करना, आप नहीं मरना, बाकी भैया मैं संभाल लूंगा। चलो भैया रेड दरवाजा खोल दिया है, उससे भैया मुझे ये कौन सी ब्लू की मिल गई है, और ब्लू की मुझे पता है कहाँ पे लगाना है। तुझे कैसे पता है। ए भैया शायद से भूल गए, हम लोग इस गेम को एक बार और खेल चुके हैं।
हाँ याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं याद आ रहा है। तो ठीक है ना भैया, मुझे तो याद है। चलो गाइस अब इस ब्लू की को कहीं इंसर्ट करते हैं यार। भैया ब्लू की मन्नत कहाँ लगेगी जल्दी बता। अरे भैया उधर से कीड़ा आ रहा था भैया, वो खा जाता सबको। वह ठीक है, लेकिन मेरा रास्ता तुझे पता है क्या? तू बड़ा ही कॉन्फिडेंटली जा रहा है। भैया ये रहा, ये देखो भैया दरवाजा खुल गया। इधर मैं ये प्लैंक लगा के इस पार जाता हूँ। ओए कुछ मिला है मन्ना? येलो येलो। ओ भैया ये स्टेयर है, इधर लेके आओ। स्टेयर? ये कौन सी स्टेयर है? अरे इधर लगाओ ना भैया। ये लग गई भैया, मैं ऊपर होके आता हूँ। ऊपर क्या करने जा रहा है? अरे भैया बहुत ही कमाल की चीज मिल गई यार। कमाल? क्या कमाल मिलने मन्ना? धमाल माल दिखाई कि नहीं वो चीज? अरे भैया सेटी पेट को मारने वाला हथियार मिल गया। ओए क्या ये उससे मर जाएगा? नहीं भैया मरेगा तो नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। ये फिर कौन सा फायदा है? अरे फायदा ही फायदा है भैया, बस वो मिल जाए वो दरिंदा, उसको फोड़ के रख दूंगा। ओए मुन्ना क्या हो गया भैया? ओए मुन्ना दो लोग को इसने धर लिया, तेरे भैया को भी, और पता नहीं एक और कोई बंदा है। हे मेरे भैया को मारा, छोड़ूंगा नहीं। ओए मुन्ना बदला लिया, यहाँ से निकल लिया। अरे भैया लेकिन आपको कैसे मार दिया यार? ओए मैं आ रहा था मुन्ना, वो अचानक से छिपा हुआ कैंप कर रहा था और धर लिया मुन्ना। ये ले बॉटल खाओ। है ओए मार दिया तूने उसको? हाँ भैया वो 20 seconds के लिए बेहोश हो गया है। लेकिन भैया ये मेरे लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं भैया कुछ तो काम कर ही सकता हूँ। चलो गाइस ऑरेंज की मिल चुकी है, लेकिन ऑरेंज के किस काम की जब तक जनरेटर नहीं ऑन करेंगे, क्योंकि गाइस जनरेटर ऑन करेंगे तो बेसमेंट का दरवाजा खुलेगा और बेसमेंट के अंदर ही वो एक लॉक है जिसके अंदर ऑरेंज की लगेगी। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं यार। अरे यार वो उधर ही घूम रहा है, हम लोग को गाइस घूम के जाना पड़ेगा। चलो आ तो चुके हैं, अभी ऊपर चलते हैं और जनरेटर में ऑयल डालते हैं। ऑयल नहीं फ्यूल है। अरे हाँ ठीक है ना भैया, अभी मुझे ये सब सोचने का टाइम नहीं है। देखो भैया वो नूब उधर ही घूम रहा है। ओए मुन्ना वो जनरेटर रूम में बैठा हुआ है। इसे क्या लग रहा है, ये दरवाजे के पीछे छिप जाएगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। है वो तुझे बेवकूफ समझ रहा है कि मुन्ना मैं दरवाजा बंद करके बैठ जाऊं और तू जैसे दरवाजे खोले तेरे ऊपर धप्पा कर दे। भैया मुझे पता है टेक्निक। चलो भैया वो तो गया, अभी मैं फटाक से जनरेटर में फ्यूल डालता हूँ, उसके बाद जनरेटर ऑन कर देता हूँ। ओए ऑन हो गया, अभी मुन्ना बेसमेंट का दरवाजा खुल गया होगा ना? हाँ भैया वही जा रहा हूँ। अरे बाप रे इधर ही घूम रहा है। ओए तो मुन्ना जल्दी जा, नहीं तो वो तुझे कहीं पहुँचने से पहले फोड़ न डाले। ए ये क्या फोड़ेगा भैया? लेकिन वो ऑरेंज की कहाँ गई होगी? ऑरेंज की तो मुन्ना वही पे होगी जहाँ तूने छोड़ी थी। अरे यार अब उसको भी लाना पड़ेगा। तो जल्दी जाके ला मुन्ना और यहाँ से स्केप कर। अरे हाँ भैया कोई हलवा थोड़ी है यहाँ से। ओ भैया मुझे एक और की मिल गई। जो ही है भैया। अरे बाप रे भैया। ओए मुन्ना तेरे चस्ट बगल में था, वही तो डरा दिया। पर्पल की हाँ याद आया, पर्पल की कहाँ लगेगी? वहाँ लगेगी भैया। वहाँ कहाँ? अरे ये देखो भैया सामने एक डोर है, यहीं पे लगेगी। यहाँ पे तो हैमर भी लगेगा, और हैमर तो वहीं पे छोड़ के आया है जहाँ से की उठाया है। ओए हाँ पता है लेकिन पहले वहाँ पहुंचू तो। पहुंच गया भैया, हैमर मिल गया। मुन्ना तुझे पता है ना तेरे पास ओनली 3 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है। ओए अरे हाँ पता है भैया, अभी तो मुझे बहुत सी चीजें तोड़नी है यार। ओए तुझे अभी काफी चीजें मुन्ना ढूंढनी है, जल्दी जल्दी जो भी करना वो भी कर। अरे अब जल्दी क्या भैया? भैया मैं फ्लैश थोड़ी बन जाऊंगा। तुझे मुन्ना फ्लैश बन के काम करना पड़ेगा। लेकिन भैया वो जो कीड़ा वहाँ पे घूम रहा है उसका क्या? ओए उस सेंटीपेड को इग्नोर मार तू। अरे ठीक है ना मैं तो इग्नोर मार दूंगा, लेकिन भैया वो मुझे नहीं मार रहा। तो क्या करेगा? चलो भैया ये दरवाजा खुल गया। ओ भैया इसके पीछे देखो कार्ड मिल गया। ओ ये तो की कार्ड है ना? हाँ भैया वही है। अरे टूट जाना यार। अरे हथौड़ा कैसा है, एक ग्लास को नहीं तोड़ पा रहा। और तेज मार 2.5 किलो के हाथ से। वो तो भैया आपका है ना? ओए हाँ ये भी है तो 1.5 किलो का होगा। नहीं भैया इतना भी कमजोर नहीं है। चलो भैया की कार्ड तो मिल गया मुझे। अब तो मुन्ना ऐसा कर जल्दी फटाक से भाग, वो देख नीचे घूम रहा है, उसको ऊपर आने दे। लेकिन भैया नहीं आ रहा। और तो तू कूद के जा फिर नीचे, उसका वेट मत कर क्योंकि तेरे पास टाइम काफी कम है। हाँ भैया सही कहा। चलो गाइस की कार्ड लगाते हैं। अभी गाइस हम लोग को चाहिए एक हथौड़ा और सिल्वर की, लेकिन सिल्वर की तो गाइस बेसमेंट में है जो कि ऑरेंज वाले लॉकर में, और ऑरेंज वाले लॉकर की चाबी पता नहीं कहाँ पे है यार। किधर है चाबी? अरे यार ये
ऑरेंज लॉकर की चाबी। लेकिन एक मिनट, एक ही मिनट तो नहीं होना तेरे पास। अरे भैया शांत रहो ना यार। चलो ये की कार्ड का तो भैया काम खत्म हो गया। ओ ये भैया इधर तो नहीं होगी ना। इधर भी नहीं है। मेरे पास एक मिनट बचा भैया। ओए मुन्ना जल्दी ढूंढ चाबी। ऑरेंज मिल गई। जल्दी जल्दी जा बेसमेंट में जा। हाँ वही जा रहा हूँ। चलो गाइस ऑरेंज की मिल गई और ये खुला दरवाजा और मतलब लॉकर और उसके बाद ये मिल गई गाइस हम लोग को सिल्वर की। और सिल्वर की तो पता है ना गाइस मेन गेट में लगेगी जहाँ से हम लोग को एस्केप करना है। अरे चढ़ जाना यार नहीं तो वो सेंटीपेड का बच्चा आ जाएगा मुझे फोड़ के रख देगा। और ये खुला गाइस बस हम लोग को एक हैमर की जरूरत है यहाँ से एस्केप करने के लिए। और गाइस हैमर हम लोगों ने ऊपर वाले रूम में छोड़ा था जहाँ पे वो सेंटीपेड घूम रहा था। लेकिन यार ये क्या, ये तो यही पे घूम रहा है। जल्दी से बगल से निकल लेता हूँ। बाप रे पीछे लग गया। अब तो नहीं बच पाएगा, कमरे में कैद हो जाएगा। हे भैया मुझे कोई कैद करे ऐसा हो नहीं सकता। और भैया मुझे यहाँ से एस्केप करने से कोई रोक भी नहीं सकता। है भैया हैमर मिल गया। जल्दी कर 10 सेकंड तेरे पास। कर गया एस्केप। बहुत बढ़िया मुन्ना मेरे भाई तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। है भैया काफी मेहनत लगी यार लेकिन भैया लास्ट टाइम में मैंने एस्केप कर ही लिया। तो गाइस यार ये एस्केप आपको पसंद आया तो कर देना यार वीडियो पे लाइक। और यार दोस्तों बहुत मेहनत लगी होगी को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। हाय गाइस टिल देन टेक केयर। बाय बाय।